तरफ मैं विनम्र आग्रह करता हूं आज के आयोजन में पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को। जब वे कथा करते हैं तो भागवत की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं सुनता बल्कि विश्व के अनेक कोनों में सुनी जाती है। इन दिनों भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रिय कथा व्यासों में से एक हैं पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, स्वागत है। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार संत न होते जगत में तो जल जाता संसार तो जल जाता संसार बोलिए श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय संत समाज की जय स्वामी जी के द्वारा सुंदर कार्यों की हिंदू राष्ट्र की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे उपस्थित सभी भक्तजनों को जय श्री मन्नारायण जय श्री कृष्णा सभी माताओं बहनों बेटियों को पिता तुल्य बुजुर्गों को सबको जय श्री मन्नारायण पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जिनके चरणों की धूल ये दास बनने की कोशिश कर रहा है ऐसे पूज्य स्वामी जी भगवत तुल्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में और पूज्य संत श्री आप सभी विद्वानों के गुरुजनों के और संतों के श्री चरणों में बारंबार नमन पूज्य स्वामी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्री चरणों में आपके दर्शन से ही पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन अनुभव हो रहा है आपके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है आपने इस दास को यहाँ बुलाकर जैसे सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गले से लगाकर सुदामा का मान बढ़ा दिया ऐसे स्वामी जी ने दास को याद करके दास का मान बढ़ा दिया आपके चरणों में बारंबार नमन बारंबार नमन पूज्य सरकार बालाजी सरकार के पूज्य श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा पूज्य स्वामी जी के द्वारा यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं चाहे बेटियों का विवाह हो चाहे हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो चाहे देश को बागेश्वर बालाजी सरकार का चमत्कार दिखा करके
और जन जन के हृदयों में एक भक्ति की चेतना को स्थापित करना, या फिर पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से सबका दुख दर्द हरना, ये जो भी आप कर रहे हैं इससे समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। समाज इन शक्तियों को, सोई और खोई हुई शक्तियों को पहचानने लगा कि हमारी शक्ति कितनी विशाल है, और सनातन की संस्कृति की जो हमारी शक्तियां हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि आप लंका चले गए, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हे प्रभु, ये मेरा कोई बल नहीं है, आपके नाम की जो मुद्रिका मेरे मुख में थी तो जलद ही लांग गए अचरज नहीं। यदि भगवत कृपा से हनुमान जी छलांग लगा के सेतु को, समुद्र को पार कर सकते हैं, तो उन्हीं हनुमान जी की कृपा से पूज्य स्वामी जी यदि समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये भगवत कृपा ही है और ये संभव है। आप देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति किसे कहते हैं? आज समझने की बात है, जब हमसे कोई पूछता है कि आप कितने भाई हैं, तो हम कहते हैं हम दो भाई हैं, हम तीन भाई हैं, हम चार भाई हैं, हम पांच भाई, या हम सिंगल हैं, हम ऐसा परिचय देते हैं। यदि आप कितने लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है, चाहते हैं, तो आज से अपना परिचय बदलिए। और कोई आपसे पूछे आप कितने भाई हैं, तो ये मत कहो कि हम एक दो तीन चार पांच भाई हैं, ये कहो हम टोटल चार भाई हैं। और चार कौन कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम चारों जब संगठित होंगे तब हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यदि हम संगठित नहीं हुए तो केवल सपने सपने ही रह जाएंगे। इसलिए आज से हम कितने भाई हैं, कौन कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों मिलकर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन होता है ना, वहीं विजय होती है। जहां एकता है वहां सब कुछ है, संसार की हर खुशी वहां है जहां एकता है। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने अंग्रेजों ने क्या किया, हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया, फूट डालो शासन करो किसका नारा था, तो आपस में लड़ाया उन्होंने, हम लड़ते चले गए, और लड़ने का परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल लड़ाई का परिणाम है ये। यदि हम संगठित रहते तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता। हमारे सनातन धर्म में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बताइए आज जिस छुआछूत ऊंच नीच की बात की जाती है, बताइए क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारे वेद पुराणों ऋषि मुनियों के द्वारा क्या छुआछूत की भावना कभी थी? यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज जी को गले ना लगाते, यदि छुआछूत होता तो भगवान राम माता शबरी के बेर ना खाते। इसका मतलब है भगवान और भक्त। हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं, ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए, हमको लड़ाया गया, हमें गलत पढ़ाया गया। जैसे समझिएगा क्या क्या गलत पढ़ाया गया हम लोगों को। पढ़ाया गया कि हम जब पढ़ते थे ना, तो हमें पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश,
आज पढ़ाया जाता है गासे गधा, जब गासे गधा पढ़ेंगे तो गधा ही होंगे, फिर गणेश वाली बुद्धि कहाँ से लाओगे। इसलिए अब एक वाक्य देखिए इतिहास से, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय जी ने इसे बंद किया। ये जो जानकारी है ना, ये अधूरी जानकारी है। हमारे देश में, हमारे वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारी संस्कृति में कभी भी सती प्रथा नहीं थी। यदि थी तो वह किस रूप में थी, वो समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पति मर गया तो उसे जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि पांडु जी की मृत्यु हुई तो माता मात्री उनके इच्छा से कि मैं अब जाऊंगी, और अपनी स्वेच्छा से उन्होंने सती होना स्वीकार किया। जबकि माता कुंती ने कहा कि ये पांच बच्चे हैं, माद्री माँ ने कहा कि आप इनका ख्याल रखो, तो माता कुंती अपनी इच्छा से रह गई और माता माद्री अपनी इच्छा से चली गई। यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हो गई? यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी के चले जाने पर माता कौशल्या सती क्यों ना हो गई? इसका मतलब सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। हाँ, वो सती प्रथा थी कि जैसे मेघनाथ के मर जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, उनकी पत्नी ने अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से उस सतीत्व को स्वीकार कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर गई अपने बल से, जबरदस्ती उठाकर डालना, ये परंपरा हमारी कभी थी ही नहीं। हम हिंदू कैसे हैं? आज इस धरती पर जितने भी मजहब, जितने भी पंथ हैं, आप सबसे मिलकर देखिए हिंदू कौन है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक सोच है, अहिंसा ही परमो धर्मः। जहां अहिंसा की बात होती हो वो हिंदू हैं। जो पूरी दुनिया में घूम कर देखिएगा, कोई धर्म के नाम पर जीव हत्या कर रहा है, बकरे काट रहा है, कोई धर्म के नाम पर सुअर काट रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, पर हमारे सनातन धर्म में बकरा बकरी खाने से त्योहार नहीं होता। हमारे यहाँ तो 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी को। ये संस्कृति हमारी है। हम अहिंसा ही परमो धर्म बात मानते हैं, अहिंसा। हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, कुत्ते को रोटी और गाय को प्रथम रोटी और कुत्ते को अंतिम रोटी डाली जाती है। जहाँ कुत्ते का भी आदर हो, जहाँ गाय का भी आदर हो, जहाँ पीपल का भी आदर हो, जहाँ नदियों और समुद्र का भी आदर हो, जहाँ पत्थरों की पूजा हो, वही तो सनातन है। जहाँ माँ को भगवान माना जाए, पिता को भगवान, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, और ऐसे आचार्य देवो भव। जहाँ ऋषि मुनियों को आचार्य मानकर उनको प्रणाम किया जाए भगवान की दृष्टि से। ये संस्कृति अपने आप को सबसे छोटा और हमारे पूज्यों को सबसे बड़ा मानने वाली संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। और गर्व से कहो आप लोग कि हम हिंदू हैं। ये धारा, ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो आज से जात पात ऊंच नीच कौन कौन मिटाएगा? और आपस में गले लगकर रहिएगा, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे लड़ने झगड़ने का फायदा उन लोगों ने उठाया। गांव गांव आज हमारे हिंदू क्रिश्चियन होते चले गए। कारण जानते हैं? कारण ये है कि हमें लगा हमारे बगल वाले घर वाला चला गया, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको अपने हर भाइयों को, सबको गले लगाना है और सबको अपने धर्म की शिक्षा देना है। और आप ही 24 घंटे में 23 घंटे अपने परिवार, अपने व्यापार के लिए काम करो, पर एक घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक घंटा, वरना आधा घंटा, 30 मिनट भी यदि कोई निकाले और जन जन तक जाकर के यदि सनातन धर्म का परचम लहराए, लोगों को जागरूक करे, अपने गीता, अपनी रामायण, अपने संतों की महान चर्चाएं सुनाए, तो क्या मजाल के कोई हमारा सनातनी हमसे फिसल कर कहीं और चला जाए। यदि बट गए तो घट गए, और बट गए तो घट गए, और घट गए तो मिट गए। यदि मिटने से बचना है तो संगठन जरूरी है, संगठित संगठन होना जरूरी है। और संगठन तब संभव है जब हम ये भूल जाएंगे कि हम ब्राह्मण हैं, संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम क्षत्रिय हैं, संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि हम वैश्य हैं, और संगठन तब संभव है जब हम भूल जाएंगे कि शूद्र है। सब एक स्वर में कहें, हम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, हम हिंदू हैं, हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं। बस एक ही पहचान, एक ही बात कहनी है, हम सनातनी हैं।
और हम भगवान राम के चरणों की धूल हैं, श्री हनुमान जी के चरणों के दास हैं, तो आप और हम मिलकर स्वामी जी के साथ पीछे पीछे चलें, स्वामी जी का सपना साकार करने में। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब झाड़ू उठाई तो घर घर के लोगों ने झाड़ू उठाकर देश को स्वच्छ किया, आज भी फिर से अपने विवेक की झाड़ू उठाने की जरूरत है और संगठन की झाड़ू उठाकर लगा डालो और पूरे देश को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांध डालो। और जिस दिन ये बंध गया तो हम केवल सपना ना देखें, उसे साकार करने के लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा बताओ मेरे हस्तरेखा क्या कह रही है। पूज्य चाणक्य ने कहा कि तेरे हस्तरेखा पर, तेरे हाथ पर लकीर कह रही है कि तू सम्राट बनेगा। बहुत प्रसन्न होकर उछलने लगा चंद्रगुप्त मौर्य। जब उछलने लगे तो चाणक्य ने कहा बेटा इसके आगे भी एक रेखा है, वो कुछ और कह रही है, यदि उसे नहीं सुना तो तेरा यह सपना, तेरा यह उछलना यहीं रह जाएगा। गुरुजी क्या रेखा है आगे की? तब चाणक्य ने कहा कि बेटा यदि तुझे सम्राट बनना है तो सिर का पसीना पांव तक पहुंचे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना प्रयास करना पड़ेगा। आपको धर्म के सत्य के रास्ते से किसी भी हाल में डिगना नहीं होगा, और जो धर्म के सत्य के रास्ते पर चलता है उसी का लोक परलोक संवरता है। यदि हम संगठन रखें, हम संगठित तो हो जाएं और सपना देख रहे हैं तो पूज्य महाराज जी के साथ साथ चलने का। कितने लोग महाराज जी के साथ हैं? हम सभी, पूरा राष्ट्र, छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, हम सब साथ में हैं। और संगठन होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना पुनः होगी, गाय को फिर अधिकार मिलेगा जो अधिकार भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। गाय को भी राष्ट्र माता होनी चाहिए, हाँ या ना? तो जब हम सनातनी संगठित तो होंगे ना तो सब पॉसिबल है, वरना लड़ते ही रहें, जातवाद में बटे रहें तो कुछ नहीं होने वाला। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने भी एक सपना देखा था, उस समय की वर्तमान इंदिरा गांधी जी से कहा था, उन्होंने कहा था कि आप मुझे प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दो। पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि मैं आशीर्वाद तो दूंगा पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करनी पड़ेगी। पर वो जीतने के बाद वायदे भूल जाते हैं और हम इसलिए पीछे हो जाते हैं कि हम संगठित नहीं हो पाते। मूल जड़ है संगठन, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यह चौपाई याद रखिएगा और पूज्य महाराज जी के साथ साथ चलते रहिएगा। पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की, पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार नमन। और आपका ये प्रयास अति शोभनीय है, ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य में आप ये प्रयास कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रकल्प है, इतनी बड़ी यात्रा है, हम सब आपके साथ हैं और सभी मिलजुल करके हम अपने देश की सेवा करेंगे। जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगी उस प्रकार से सेवा करेंगे। सभी गुरुजनों के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत पूज्य महाराज जी। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अभी अपनी भावनाओं और शुभकामनाओं को हमारे बीच रख रहे थे।